बागली विधानसभा में एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने मीडिया चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर पिछले दिनों निजी कार्यक्रम में आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों मोदी जी पर अहंकार होने की बात कही थी। इसी को लेकर पूर्व मंत्री दीपक सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अहंकार जैसी कोई बात नहीं, अगर मोदी जी का अहंकार देखना है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर देख सकते हैं। मोदी जी के अहंकार के पीछे पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। वहीं लाल किले पर किसानों द्वारा तिरंगे को हटाकर एक विशेष झंडे को फहराने की बात को लेकर कहा कि लाल किला भारतीयों की अस्मिता का प्रतीक है, देश का गौरव है, लाल किले से गौरव का मान होता है। वहां पर तिरंगे को उतारकर वर्ग विशेष का झंडा फहराना ठीक बात नहीं है। बागली से रवि पटेल की रिपोर्ट। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब हरियाणा और दिल्ली के आसपास के कुछ किसान उस अध्यादेश को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका यह कहना था कि अध्यादेश ठीक नहीं है। सरकार का कहना है कि पूरा देश जब इसको स्वीकार कर रहा है तो कुछ लोगों के कारण अध्यादेश को कैसे वापस लिया जाए। समय समय पर सरकार की बातचीत भी हुई, सरकार ने लगातार समय दिया। सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि जितनी स्वभाव अपनाया कुछ न कुछ किया, लेकिन 26 जनवरी के दिन जो घटना घटी वो मेरे ख्याल से एक अक्षम्य घटना के सेक्टर में तो ये कहूँगा कि अपराध है, क्योंकि किसान आंदोलन कर नेतृत्वकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना था कि उनके आंदोलन में किस प्रकार के लोग आ गए। जब वो कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं थे तो क्यों किस प्रकार से घुस गए, और आपने देखा कि उस दिन लाल किला जो कि भारत की अस्मिता का प्रतीक भी है, महाराष्ट्रपति प्रधानमंत्री समय समय पर झंडा वंदन करते हैं, भारत की गौरव का गान होता है, वहाँ से वहाँ पर तिरंगे को उतार कर एक ध्वज विशेष को फहराया गया, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और हमारा ये मानना है कि किसान आंदोलन के कारण जो स्थिति आज देश में पैदा हुई खास करके दिल्ली के आसपास, वो कहीं ना कहीं इस किसान नेतृत्व के कारण हुई है। उनको देश से क्षमा मांगना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी जो उन्होंने गलती की है उसको देश हित में प्रधानमंत्री के साथ जुड़कर अपने आप को देश के प्रति समर्पण भावना को दिखाना चाहिए। मोदी जी का अहंकार अगर कहे तो हम सर्जिकल स्ट्राइक में देख सकते हैं, हम एयर स्ट्राइक में देख सकते हैं, और इस अहंकार के पीछे पूरा देश कहीं ना कहीं आज उनके साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी अगर अहंकार की भाषा की बात करते तो क्यों किसानों से 5-6 बार बात करते हैं, और अभी भी बातचीत का रास्ता खुला हुआ, उन्होंने नहीं कहा कि बातचीत का रास्ता बंद है। बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान होता है। किसानों ने आज तक वो कारण नहीं दिए कि किन कारणों से इनका अध्यादेश को लागू नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ ये कहते हैं कि पहले वापस लो फिर बात करो, तो ये ठीक नहीं है। पूरा देश आज इस अध्यादेश को स्वीकार कर रहा है, और मैं तो आप इस पूरे इलाके में घूमते हैं जब किसानों से बातचीत करते हैं कि पहली बात तो उनका कहना है कि हम तो सरकार मोदी जी को ही पसंद करते हैं, मोदी जी अगर कुछ कहेंगे तो हम उसका साथ देंगे। तो आज मोदी का चेहरा ही एक इतना विश्वसनीय चेहरा बन गया, तो मध्य प्रदेश में तो हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत विश्वसनीय है। तो ऐसे दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं ये बात का प्रयोग करना कि मोदी जी अहंकार की भाषा बोल रहे हैं या मोदी जी का अहंकार बोल रहा, तो ये कदापि ठीक नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।